हेलो भाई, नमस्कार। मैं डीबीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर लेते हैं कल मार्केट में कैसे काम करना है। देखिए, ये कोई वीडियो रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पज़ से है। आपका लाभ या हानि का मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कल हमें मार्केट कहाँ ओपन होने की संभावना है। तो देखिए, कल मार्केट लगभग 17,700 पर ओपन हो रहा है। अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है तो अब फिर मार्केट क्या करेगा कि यहाँ से ओपन तो होगा 17,700 पर, लेकिन नीचे आएगा। और मार्केट अगर 17,665, यहाँ पर मार्केट 17,665, यहाँ ये एग्जिट वैल्यू है 17,664 या 65, यहाँ से मार्केट अगर एक बुलिश कैंडल बनाता है तो फिर मार्केट आपको 17,800 तक भी लेके जा सकता है, 17,780, 17,800 तक। अब देखिए, 800 से अगर वो पार कर जाता है कल ही, तो फिर 18,000 तक की भी जर्नी हमें देखने को मिल जाएगी। 18,000, 18,200, मतलब आने वाले दिनों में। तो ये कल के लिए डायरेक्शन है कि उसको सबसे पहले 17,800 को पार करना बहुत ही ज़रूरी है। अब बाय द वे, मान लीजिए मार्केट ओपन होता है 17,700 पर और वो इस 17,577 या 17,560 को नीचे क्रॉस कर देता है, नीचे से नीचे आ जाता है, तो फिर आपको ये जो नीचे वाले टारगेट हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं 17,440 तक के भी देखने को मिल सकते हैं कल की कल। और अगर इससे नीचे गया तो आने वाले दिनों में यह 17,100, 17,200 तक भी टारगेट आपको दे सकता है। ये एकदम क्लियर कट व्यू है। और बताने के लिए इसमें चाहे हम 10 मिनट की वीडियो और बढ़ा दें, अब रेजिस्टेंस ये है, इसका सपोर्ट ये है, ये इसका वो है वो है, मतलब ये सब बेकार की बातें हैं। बस कहीं ना कहीं टाइम खराब करना है व्यूअर का। तो सिंपल सी बात है, बस मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, 17,670 से आपको मार्केट ऊपर जब भी जहाँ कहीं भी मौका मिलता है और उसको नीचे नहीं आता, ऐसे ऊपर ऊपर रहता है, तो आप लोग कॉल की तरफ सोचना। और अगर आपको यहाँ पर 17,577 या 580 से नीचे आता है मार्केट, तो फिर वहाँ पुट के बारे में सोचना है। सीधा सा व्यू है। और आगे के लिए आर पार की लड़ाई क्या है कि अगर मार्केट ने 17,800 पार कर दिया तो वो फिर 18,200 तक की जर्नी के लिए तैयार है, 300 तक की के लिए। और कहीं यहाँ 17,440, 17,450 का इसने पार कर दिया नीचे के लिए, तो फिर वो 17,000 की तरफ वो बढ़ रहा है। तो मित्रों, ऐसी ही जानकारी लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।